नमस्कार दोस्तों, श्याम कला सिरिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको आईटीएफ फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज शाम से आपको फर्स्ट ईयर का पेपर और सुबह आपका सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिशियन का पेपर डालेंगे। साथ ही आप अन्य ट्रेड से तो आप भी बता सकते हो। साथ ही वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस और इंप्रूवेबल स्किल का पेपर भी हम डालेंगे। कोशिश करेंगे एक दिन में 3-4 पेपर डालने की, तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के पेपरों का एनालिस कराया जाता है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में धुरों की संख्या होती है, यानी उसको अनेक छोटे छोटे भागों में काट भी देते हैं तो प्रत्येक सूक्ष्म भाग के कितने भाग हो जाएंगे, यानी दूर हो जाएंगे, तो उसके होंगे दो दूर, एक उत्तरी दूर एक दक्षिणी दूर। तो पहला का करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बताओ दोस्तों, चुंबक की सबसे अधिक प्रबलता कहाँ होती है? तो वह दूरों पर होती है। कहाँ पर होती है? दूरों पर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा खालिस्तान होती है। तो बताओ दोस्तों, कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों इसकी आपकी जो कृत्रिम चुंबक है इसके अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक होती है, उसकी क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विद्युत चुंबक एक है। तो बताओ दोस्तों, विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक किस प्रकार दोस्तों? क्योंकि हम जैसे ही विद्युत चुंबक को सप्लाई देते तब तक उसमें वह कार्य करता है, जैसे ही सप्लाई चली जाती है तो वो क्या हो जाता है? रुक जाती है। तो ये हो गई आपकी अस्थायी। करेक्ट आंसर सी। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किस प्रदर्शित करती है, यानी किसे प्रदर्शित करती है? तो बताओ दोस्तों, किसे प्रदर्शित? तो वह चुंबक के क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, एक गोस बराबर होता है। तो बताओ दोस्तों, एक गोस किसके बराबर होती है? तो 10^4 टेस्ला के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक चुंबक के अंदर चुंबक के बल रेखाओं की दिशा होती है। तो बताओ दोस्तों, एक चुंबक है तो चुंबक के अंदर चुंबक के बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो दोस्तों वो होती है आपकी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अगर आपको पूछे कि चुंबक के बाहर कौन चुंबक के बल रेखाओं की दिशा होती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, तो बाहर की तरफ होती है, और चुंबक के अंदर पूछे तो वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव दिशा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता एक खालिस्तान राशि है। तो बताओ दोस्तों, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो दोस्तों वो होती है आपकी सदिश राशि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। तो बताओ दोस्तों, वायु और निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? दोस्तों वो होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है। तो बताओ दोस्तों, क्या उपयुक्त है इसमें? तो वह स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। तो यह आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक डोमेन में लगभग खालिस्तान परमाणु होते हैं। तो बताओ दोस्तों, एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों लगभग 10^18 माने 10^21 डोमेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा लोहे चुंबकीय पदार्थ है? दोस्तों इसमें निकेल लोहे चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी चुंबक के फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें यदि उसकी चुंबक के फ्लक्स 154×10^3 वेबर तथा इसके प्रभाव का अंतर्गतवर्ती क्षेत्रफल की त्रिज्या 7 मीटर हो। तो दोस्तों बताओ, उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 10^-3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो लगभग आपके 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका, किसी कॉइल के द्वारा 400×10^5 वेबर फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने mm की आवश्यकता होती है? mm होता है दोस्तों आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो यदि उसका रिलक्टेंस 1.25×10^5 एम्पेयर प्रति टन हो तो दोस्तों यहां पर आपको क्या पूछ रहा है? उत्पन्न फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आपको मैंने एक बताया होगा, इस प्रकार एक त्रिभुज बनाया था, उसमें बताया था fm बराबर φ×RM। तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स पूछ रहा है उत्तर फ्लक्स में कितने mm होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर mm पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप वेबर रख दो, यानी इसका वेबर कितना है, और इसका RM रख दो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे
तो मल्टीप्लाई कराने पर दोस्तों आपका आएगा 500 एम्पियर टन, यानी आप इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ 500 एम्पियर टन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो तो उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी करना है तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि Fm इंटू क्या होता है n इंटू आई। तो दोस्तों यहाँ पर n n क्या हो गया, टर्नों की संख्या कितनी है 40 और धारा कितनी है 5, तो 5 × 20 यानी लगभग 200 एम्पियर टर्न इसका करेक्ट आंसर आ जाए, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबक वाहक बल का मान 640 एम्पियर टन है, यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स 16 × 10⁶ वेबर है तो चुंबक का रिलक्टेंस, तो दोस्तों आर एम बराबर होता है आपका एफ एम बटा फाई। तो दोस्तों एफ एम कितना है, तो एफ एम आपका दे रखा है एम्पियर टन तथा चुंबकीय फ्लक्स ये दे रखा है, तो यहाँ पर आपको इसमें आप इसका भाग देना है, तो सोचो 64। तो दोस्तों एक मिनट में भाग देता हूँ 640 में, तो ये 640 में आपको किसका भाग देना है 10 × 10⁻⁶ का, तो 100 × 64 40 आ गई। अब 40 तो ये आ गई, ये क्या है 10⁶, तो 10⁶ तो 10⁶ इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बी। तो 16 का क्या आ रहा है 40 × 40 ये आ गई, क्योंकि काटने पर 100 × 64 40 से, तो ये आ गए क्या आ गए 40 आपका एम्पियर टन प्रति वेबर, ये आ जाएगा एम्पियर टन प्रति वेबर, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो बताओ दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से आएंगे आपका, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना होता है, तो बताओ दोस्तों किसका स्थायी चुंबक नहीं बना होता है, तो दोस्तों वो आपका नरम लोहा का स्थायी चुंबक नहीं होता है, नरम लोहा का आपका अस्थायी चुंबक बना होता है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका बी, और ये नीचे वाली बच गई है आपके स्थायी चुंबक के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, तो बता दोस्तों इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित, तो आपका तांबा होता है यानी कॉपर, ये उससे क्या होता है प्रतिचुंबकीय होता है, और बल्कि एल्यूमिनियम कोबाल्ट सोडियम ये क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो बताओ दोस्तों ट्रांसफॉर्मर क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विद्युत मशीनों को क्रोड प्रचलित क्यों बनाते हैं, तो बताओ दोस्तों क्यों प्रचलित करते हैं उनको, तो दोस्तों बौर द्वारा हानि कम करने के लिए उनको क्या करते हैं प्रचलित किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, तो बताओ दोस्तों स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है, तो वह फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ है, तो बताओ दोस्तों अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कौन सा है, दोस्तों वह आपका पेरा चुंबकीय पदार्थ, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा करेगा फेरा, फिर पेरा, तो डाया सबसे ज़्यादा है, फिर पेरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबक के बदरेखाओं की दिशा होती है, तो बताओ दोस्तों छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबक के बदरेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये बाहर की पूछ रहा है, तो बाहर के आ गए आपकी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, और पहले क्वेश्चन आ चुका था कि अंदर चुंबक के अंदर किस प्रकार की चुंबक के बदरेखाओं की दिशा होती है, वो होती है आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो लगभग आपके 24 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका, और जो क्वेश्चन बच गए ये आपको कल और करवा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये क्वेश्चन है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति ऊंच होती है वह खालिस्तान बनाने के लिए उपयुक्त होता है, तो बताओ दोस्तों जिसकी धारण शक्ति ऊंच होती है वह क्या बनाने के लिए काम में आता है, तो वो स्थायी चुंबक बनाने के काम में आता है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करना दोस्तों, क्या है क्वेश्चन आपको एक बार बता देता हूँ, कल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चुंबक के फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, लगभग सबको पता होगा, तो ये आप जरूर बताना और कल मैं और क्लियर कर दूंगा। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।